सो आज का टॉपिक है बेटा हमारा फास्फोरस। हैडिंग आप लोग डाल लीजिए, फास्फोरस। ठीक है, सबसे पहले जो फास्फोरस आपका है बेटा ये सॉलिड स्टेट में मिलता है, और जो फास्फोरस है इसकी तीन एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। फास्फोरस है वो थ्री एलोट्रोपिक फॉर्म। तो हम यहाँ पे फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म डिस्कस करेंगे। जो फास्फोरस आपका है उसके तीन एलोट्रोप होते हैं। फास्फोरस है थ्री एलोट्रोप, कौन कौन से? सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस, सेकंड हमारा है रेड फास्फोरस। पहला है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा है रेड फास्फोरस, और थर्ड है ब्लैक फास्फोरस। दीज आर द थ्री एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बेटा तीनों को वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस देखिए बेटा, व्हाइट फास्फोरस में क्या है? जो व्हाइट फास्फोरस है ये आपकी कॉमन वैरायटी होती है फास्फोरस की, और ये P4 यूनिट में एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या कहेंगे? इट हैव ए मोनोमेरिक P4 स्ट्रक्चर। इट हैव ए मोनोमेरिक P4 स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, जब तक आपकी अटेंडेंस ना हो ना, कोई बच्चा क्लास लीव करके ना जाए बेटा, फिर आपकी एब्सेंट मार्क हो जाती है फाइनल रजिस्टर में, जो सुबह सर मेंटेन करते हैं। ध्यान रखना इस बात का, उसमें अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी 12th क्लास में हो। तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ बार बार। इट हैव ए मोनोमेरिक P4 स्ट्रक्चर। जो व्हाइट फास्फोरस है ना, इसका मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होता है P4 का। मतलब ये है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है P4। टोटल आपके चारों आइटम फास्फोरस के आपस में जुड़ रहे हैं इस तरीके से। हर एक फास्फोरस के तीन तीन बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, और एक एक हर एक फास्फोरस पे क्या प्रेजेंट है? लोन। ठीक है, तो जो ये ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो कैसी है? हर एक फास्फोरस एटम की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, और यहाँ पर जो ये बोन्ड एंगल है ये 60 डिग्री। कितने का है? 60 डिग्री। ठीक है, ये आप ध्यान रखो बेटा। उसके बाद अब ये कह रहा है जो ये फास्फोरस एटम है ये बाकी तीन फास्फोरस एटम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, और हर एक पी पे एक एक आपका क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है, और उससे हमारा P4 का स्ट्रक्चर है वो पूरा बन जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए बेटा, व्हाइट फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। या ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म होती है व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, इसके बाद हम आगे करेंगे जो व्हाइट फास्फोरस होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। तो ये सो व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होती है, सॉफ्ट होता है व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट कलर का होता है, वैक्सी सॉलिड की तरह होता है, और नेचर में है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मीनिंग क्या है? ना तो ये ट्रांसपेरेंट है ना ये ओपाक है, उनके बीच की रेंज का है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है व्हाइट फास्फोरस की। अब अगर ये सॉफ्ट है तो हम इजिली इसको कट कर सकते हैं नाइफ के साथ। अगर ये सॉफ्ट है तो हम इसको इजिली नाइफ से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वॉटर में ये इनसॉल्युबल होता है।
इनसॉल्युबल इन वॉटर, वॉटर में बेटा इनसॉल्युबल होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वॉटर, लेकिन सॉल्युबल किसमें हो जाता है, बट सॉल्युबल इन बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, बट सॉल्युबल इन बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, इथर एक्सेट्रा। बेटा व्हाइट फॉस्फोरस जो है नॉन पोलर नेचर का होता है, इसीलिए जो व्हाइट फॉस्फोरस है, तो बेटा ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट सॉल्युबल होता है बेंजीन में, कार्बन डाइसल्फाइड में और इथर में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसको हम बनाते कैसे हैं, ये हम करेंगे अब। तो ऊपर की दो तीन लाइन अब कर देती हूँ। तो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, जो पी फोर मॉलिक्यूल है ना, ये ग्लो करता है डार्क में, इट शो कैमी ल्यूमिनिसेंस, इट शो कैमी ल्यूमिनिसेंस। कैमी ल्यूमिनिसेंस का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें ऐसा केमिकल होता है या ऐसा इसमें कुछ है जिसकी वजह से ये अंधेरे में ग्लो करता है, इट शो कैमी ल्यूमिनिसेंस, मतलब इट ग्लो इन डार्क, इसका मतलब लिख लो, इट ग्लो इन डार्क, अंधेरे में ये चमकता है, डार्क में ये ग्लो करता है, कैमी ल्यूमिनिसेंस आपका शो करता है। आगे ये कह रहा है पॉइजनस नेचर का होता है व्हाइट फॉस्फोरस, इट इज वेरी पॉइजनस, इट इज वेरी पॉइजनस इन नेचर, ठीक है, हाईली पॉइजनस है बेटा, ओके। तो ये सारे पॉइंट आप कर लो, ये आपके व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज हुई जनरल, इनको बस आप पढ़ लेना बेटा एक दो बार। अभी कुछ एक प्रॉपर्टी और है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, पहले ये कर लो आप लोग। ये हो गया आपका, हाँ बेटा मैं ये रब कर दूँ, नीचे का कर लिया होगा ना। अब ये कह रहा है जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना, इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव, सो इट डू नॉट कैप्टिव एयर। बेटा अगर वहीं पर ही एक्सप्लोजन वगैरह शो कर सकता है, तो इसको एयर में हम नहीं रखते हैं, इट डू नॉट कैप्ट इन एयर ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, ये आप याद रखना। अब जो ये फॉस्फोरस है, हम इसकी रिएक्शन करेंगे, तो सबसे पहले रिएक्शन करेंगे मेटल्स के साथ। अब हेडिंग डालो रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। जब मेटल से हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा वो हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की, और सोडियम की रिएक्शन हम करेंगे पी फोर के साथ, सोडियम की रिएक्शन हम करेंगे फॉस्फोरस के साथ। तो आपको पता है एन ए का चार्ज होता है प्लस वन और पी का चार्ज होता है माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई जब तुम करते हो तो क्या बनता है एन ए थ्री पी, क्या बनता है एन ए थ्री पी बनता है। बस अब इसको बैलेंस कर लो बेटा, यहाँ फोर मोल कर दिए मैंने इसके, तो एन ए कितने हो गए 12, तो 12 मोल ऑफ एन ए प्लस में पी फोर, इससे फोर मोल किसके बन गए एन ए थ्री पी के, एन ए थ्री पी का नाम क्या होगा सोडियम फॉस्फाइड, एन ए थ्री पी का नाम क्या बनेगा बेटा सोडियम फॉस्फाइड। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया, प्लस मैंने पी फोर लिया, तो एम जी प्लस पी फोर से क्या बनेगा बेटा, सेम कंसेप्ट है, Mg का चार्ज होता है प्लस टू, पी का चार्ज होता है माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया Mg3P2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बना बेटा Mg3P2 बना, ठीक है। अब जो ये Mg3P2 है इसमें आप देख सकते हो Mg के मोल कितने हैं, यहाँ पहले टू मोल कर दू, आगे फॉस्फोरस हो गए ना फोर, अब फॉस्फोरस यहाँ पे फोर है, Mg यहाँ पे कितने है सिक्स, तो सिक्स मोल ऑफ Mg प्लस में P4, इससे टू मोल्स किसके बन गए Mg3P2 के, टू मोल्स ऑफ
Mg3P2, ठीक है। तो ये आप कर लो, इसका नाम मैं लिख देती हूँ बेटा मैग्नीशियम फॉस्फाइड। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम फॉस्फाइड। ओके, ये रिएक्शन आप करो। चलिए इसके बाद कुछ और रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो पहली मैंने रिएक्शन ले ली Cl2 के साथ, P4 प्लस Cl2, इससे PCl3 भी बनता है, और POP4 प्लस Cl2 इससे PCl5 भी बनता है। PCl3 आपका हो गया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 आपका हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। दोनों को बैलेंस कर लो, यहाँ भी P आपने 4 कर दिए, यहाँ भी 4 कर दिए, Cl यहाँ पे 4, 3 जा 12 हुई तो 6 कर दिया, 4, 5 जा 20 हुआ तो यहाँ 10, ठीक है। P4 प्लस 6 मोल ऑफ Cl2 इससे PCl3 बन गया, या P4 प्लस 10 मोल ऑफ Cl2 इससे PCl5 बन गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस क्लोराइड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो करवा देती हूँ, बहुत बार ये एग्जाम में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो व्हाइट फॉस्फोरस है, जब ये रिएक्ट करता है NH3 के साथ, व्हाइट फॉस्फोरस जब रिएक्ट करता है, सॉरी NH3 नहीं बेटा, NaOH के साथ, P4 जब रिएक्ट करता है NaOH प्लस में H2O के साथ, तो हम 3 मोल ही लेते हैं H2O के और हम 3 मोल ही लेते हैं NaOH के, और इन दोनों से हमारा क्या बनता है PH3। इन दोनों से क्या बनता है बेटा? PH3 बनता है, प्लस में निकलता है NaH2PO2, प्लस में क्या निकलता है 3 मोल ऑफ NaH2PO2। तो पहले तो आप ये देखो जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस है या नहीं। तो अगर मैं टोटल फॉस्फोरस एटम देखती हूँ तो P के एटम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने, एक तो यहाँ है 1 और 3 यहाँ है, टोटल 4 है। सोडियम देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, H देखो 6 और 3 9 है, तो 6 और 3 9 है, बाकी सब कुछ बैलेंस है, हो गया। तो अब देखिए बेटा इससे क्या क्या बनेगा, ये जो रिएक्शन है बहुत बार एग्जाम में आती है, व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद अल्कलाई सॉल्यूशन। तो अल्कलाई सॉल्यूशन क्या होगा, NaOH का सॉल्यूशन होगा, तो मैंने P4 लिया प्लस 3 मोल ऑफ NaOH लिया प्लस 3 मोल ऑफ H2O लिया, इनसे क्या बनेगा PH3 प्लस में 3 मोल किसके निकलेंगे NaH2PO2 के। ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर रही है, ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। आपको ध्यान है हमने प्लस 1 में किया था व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो एज वेल एज ऑक्सीडाइज भी हो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, सेम एलिमेंट रिड्यूस्ड एज वेल एज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है रिड्यूस ऑक्सीडाइज्ड, P4 यहाँ P का चार्ज कितना है 0, यहाँ P का चार्ज बेटा कितना है 0 क्योंकि फॉस्फोरस क्या है मोलिकुलर फॉर्म है P4। यहाँ पे P का चार्ज निकालो, 1H का चार्ज प्लस 1 है तो 3H का चार्ज प्लस 3 हुआ, तो टोटल P पे यहाँ कितना माइनस चार्ज आया 3 माइनस चार्ज आया, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का चार्ज 0 था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 3। अब इसमें और निकालो P का चार्ज NaH2PO2, मैं यहाँ निकाल के दिखाती हूँ, देखो बेटा NaH2PO2 इसमें आपको P का चार्ज निकालना है, एक Na का चार्ज होता है प्लस 1, 2H का मिला के हो गया प्लस 2, बात समझ में आ रही है, चार्ज एक Na का प्लस 1 होता है, चार्ज एक H का भी प्लस 1 होता है, 2H का प्लस 2 हो गया। P का निकालना है तो X प्लस एक O का चार्ज क्या होता है माइनस 2, तो 2O का चार्ज क्या हो गया माइनस 4, तो ये क्या बन गया बोलो 2 + 1 = 3 प्लस X माइनस 4, तो X माइनस 1 इक्वल टू 0, तो X क्या आ गया 1 आ गया। तो बताओ बेटा यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई बेटा, प्लस 1, क्या आई प्लस 1। तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर जो ये फॉस्फोरस है P4 इसका चार्ज 0 से माइनस 3 डिक्रीज भी हो रहा है, और इसी फॉस्फोरस का चार्ज 0 से प्लस 1 इंक्रीज भी हो रहा है,
यहाँ फॉस्फोरस का चार्ज डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, तो जब आपका सेम एलिमेंट का चार्ज कम भी हो और ज्यादा भी हो, मतलब इसका अपने आप से रिडक्शन भी हो रहा है और इसका अपने आप से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों काम ये कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी आप लोग कर ले बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। चलिए अब इसके बाद व्हाइट फॉस्फोरस आपका पूरा हुआ, अब हम पढ़ेंगे रेड फॉस्फोरस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेड फॉस्फोरस, इसको रब कर दूं। हाँ बेटा, नीचे की रिएक्शन कर ली? यस, मेरे ख्याल से होगी होगी। चलिए अब हेडिंग डालो रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, और बेटा प्लीज आप लोग है ना क्लासेस में कंटिन्यू रेगुलरली अपने आप ही आना शुरू करो, क्योंकि मंडे को भी कंफर्म नहीं है स्कूल खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं, कुछ नहीं कह सकता कोई। तो प्लीज आप लोग ये ना सोचे कि अब तो स्कूल जाना है, छोड़ो वहीं जाके पढ़ लेंगे, मंडे को कंफर्म नहीं है बेटा स्कूल में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग अपनी क्लासेस कंटिन्यू लें, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है, प्लीज अपना सिलेबस तो कम से कम पूरा करो, ताकि जब हम स्कूल में आए तो हम रिविजन करें, एटलीस्ट आपकी नोटबुक तो पूरी हो, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो। तो मैं डेली डेली आके यही प्रोग्राम ना करूं कि आपके पास फोन ही करती रहूं, क्लास में आ जाओ अपने आप से बेटा, सारे बच्चे क्लास में आया करो। ठीक है, कर लिया ये? अब मैं शुरू कर रही हूँ रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस जो है ये बनता है बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। हमें किसको हीट करना पड़ता है? व्हाइट फॉस्फोरस को। कितने केल्विन पे? 573 केल्विन। जब हम हीट करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन के ऊपर इनाइट एटमोस्फियर देखिए, इनाइट एटमोस्फियर देखिए, तो जो ये व्हाइट फॉस्फोरस है ये हमारा रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस कन्वर्ट इनटू रेड फॉस्फोरस बाय हीटिंग इन एन इनाइट एटमोस्फियर एट 573 केल्विन। कर लिया? अब जो रेड फॉस्फोरस आपका है इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको ध्यान है इससे पहले मैंने करवाया था आपको व्हाइट फॉस्फोरस, उसका तो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर था, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल जुड़ता था P4 का, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक है, यहाँ बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं P4 के। अब कैसे जुड़ते हैं वो आप देखिए, मान लो ये पहला आपका P4 है, ठीक है, ये है बीच का, ये एक बॉन्ड टूट गया, अब इससे अगला P4 जोड़ दिया इस तरीके से, फिर उससे ये अगला P4 जोड़ दिया, और आगे ये ऐसे ही जुड़ता जा रहा है। तो आप बेटा देख सकते हो अब भी हरेक फॉस्फोरस के तीन तीन बॉन्ड तो बन ही रहे हैं, हरेक पी के यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड बन रहे हैं, और फॉस्फोरस का यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है? पॉलीमेरिक है, टोटल हरेक पी चार चार पी से जुड़ा हुआ है और इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। बस क्या फर्क था, जो ये बीच का बॉन्ड था ना पी और पी का, ये टूट गया और एक नया बॉन्ड आ गया बिटवीन द टू फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है रेड फॉस्फोरस। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टी कर लेते हैं सारी, कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। देखिए ध्यान से, तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको ध्यान हो वो सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड था, बट ये आपका क्या है? हार्ड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस था, बट इसका नेचर होता है नॉन पॉइजनस। इसका नेचर कैसा है बेटा? नॉन पॉइजनस है। अगली प्रॉपर्टी सेम है, व्हाइट फॉस्फोरस की वाटर में इनसोल्यूबल था, ये भी वाटर में इनसोल्यूबल ही है, वाटर में तो इनसोल्यूबल है बट सोल्यूबल इन CH2। CH2 क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें ये सोल्यूबल होता है। आपको ध्यान होगा जो व्हाइट फॉस्फोरस था वो ग्लो करता है अंधेरे में, बट इसमें ऐसा नहीं है,
इट डू नॉट शो कैमिल्यूमिनेसेंस, इट डू नॉट शो कैमिल्यूमिनेसेंस, ये बेटा ग्लो नहीं करता डार्क, इट डू नॉट शो कैमिल्यूमिनेसेंस। अब इसकी और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। जो व्हाइट फॉस्फोरस आपका है, सॉरी रेड फॉस्फोरस, वो लेस रिएक्टिव, रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। अगर बेटा हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रेड फॉस्फोरस कहीं ना कहीं लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस, बट इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इट इज डेंसर देन व्हाइट फॉस्फोरस, डेंसिटी कहीं ना कहीं रेड फॉस्फोरस की ज्यादा होती है। इट इज डेंसर देन व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो बस यही इसके मेन पॉइंट है, इतना ही आप कर लेना। एक और, जब फॉस्फोरस है P4, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो P4+5O2 क्या बन जाता है, P4O10, क्या बन जाता है P4O10, ये 5 है बेटा, कभी S लिख लो, 5 है ये P4+5O2, ऐसे एक रिएक्शन और है P4+3O2, इससे बन जाता है P4O6। तो जब आपका फॉस्फोरस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वहां पे कंपाउंड बन जाता है P4O6 या P4O10। इसी के साथ बेटा आपका ये टॉपिक भी पूरा हो जाता है। सेकंड, पहला हमारा हो चुका है व्हाइट फॉस्फोरस का, सेकंड हम क्या कर रहे हैं रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस भी हमने पूरा पढ़ लिया, बस एक बार स्ट्रक्चर और कर लेते हैं रेड इसका P4O10 का और P4O6 का। तो ऊपर के दो तीन पॉइंट रख कर दूं, अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे P4O10 का, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, पहले P4O6 का करो फिर 10 का समझ में आएगा। P4 है 1, 2, 3, 4, P4 हो गया, O कितनी है बेटा बताओ, 6 है। तो अब देखिए 6 ऑक्सीजन कैसे आएगी बेटा, हर एक P के बीच में एक एक ऑक्सीजन एटम आएगा, तो टोटल 4 ऑक्सीजन एटम तो बिटवीन फॉस्फोरस आ गई। कितनी ऑक्सीजन एटम है टोटल, 6 है। फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, 3, तो हर एक पी के 3-3 बॉन्ड बनने चाहिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो हर एक पी के फिलहाल 2-2 बॉन्ड ही बन रहे, तो मैं क्या करूं, इन दोनों के पी के बीच में ये एक ओ जोड़ दिया और इन दोनों पी के बीच में ये एक ओ और जोड़ दिया। अब आप देखो टोटल ये क्या है, P4O6 है ना, हर एक पी के 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं तो फॉस्फोरस का ऑक्टेट पूरा है, हर एक ओ के 2-2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ P4O6 का, ओके P4O6 का। और अगर मैं इसी में 4 ऑक्सीजन और जोड़ दूंगी तो फिर वो स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, P4O10 का। तो एक बार आप P4O10 का स्ट्रक्चर और देख लो बेटा, अगली क्लास में आ जाना सेम लिंक से भाई, 1, 2, 3, 4, P4 तो हो गया, इस बार O कितने करने हैं, 10, तो कोई बात नहीं अभी हो जाएंगे, एक एक तो बीच में आएगा, 1, 2, 3, 4 हो गया, 10 O करने हैं अभी, तो एक एक O बीच में आएगा, वो पता ही आपको, 1, 2, P4O6 तो बन गया, बनाना है O10, तो हर एक P के बाहर डबल बॉन्ड और जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O। तो अब आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, P4O10, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना लो बेटा, टाइम पूरा हो गया इस क्लास